यस, मेरे पास बेल्जियन मेलिनॉय है और मैं पहले से बहुत पेट लवर हूँ और मैं हमेशा जैसे कोई भी क्लब के साथ मेरा डॉग्स रजिस्टर्ड रहते हैं. यूनाइटेड कैनल क्लब ये एक ऐसा क्लब है जहाँ पे ब्रीड को देखा जाता है, जैसे कि बहुत लोग जानते हैं जो पेट लवर्स है कि आजकल कितना ज़्यादा यहाँ पे भी एक करप्शन चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. तो यूनाइटेड कैनल क्लब इज़ अ क्लब जहाँ पे कोई भी पार्शलिटी नहीं होती. यहाँ पे अभी ब्रीड चेक किया जाएगा, फिर ऑबीडियंट टेस्ट होते हैं कि हम ओरिजिनल ब्रीडर से ले रहे हैं कि नहीं, सब कुछ देखा जाता है. सो यस, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर एंड थैंक यू सो मच फॉर द ऑर्गेनाइजर एंड एवरी वन फॉर इन्वाइट. बहुत अच्छा लगता है कि और ये भी एक फैमिली जैसे हो जाते हैं. एवरी टाइम व्हेन आई कम हियर तो यहाँ पे नए नए दोस्त भी बन जाते हैं और अच्छा लगता है कि लोग अपने पेट्स को कैसे रखते हैं जानने के लिए. नए नए ब्रीड्स के बारे में भी पता चलता है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, जैसे फूड कंपनी न्यू लॉन्च होती है उनके बारे में पता चलता है. आई एम द मोस्ट बिग पेट लवर, इतना कि मैं बता नहीं सकती हूँ. इंसान दोस्त कम है, पेट्स बहुत सारे हैं मेरे पास. कितने पेट्स होंगे और किस तरह से आप उनका ख्याल रखते हो? जी, पेट्स कितने होंगे आपके पास? मेरे पास 3 लैब्राडोर थे, अभी मेरे पास एक बेल्जियन मेलिनॉय है. मेलिनॉय बहुत कम लोग रखते हैं और इट्स अ वेरी चैलेंजिंग. मैंने सोचा कि जो कम रखते हैं वो मैं इस बार रख के देखूंगी. सो मेरा बच्चा भी आया है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए और डॉग्स को भी अच्छा लगता है, ऐसे गेम्स होना चाहिए, उन लोगों को भी अच्छा लगता है. You will have a fun day too. Sorry? You will have a very fun day too. Yes. क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी ऑर्गेनाइजर्स के लिए जो शो रख रहे हैं? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कि जो जज है वो लोग भी बाहर से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, उन लोगों का नाम ही बहुत काफ़ी है. तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा कि एक बहुत बड़ा शो हो रहा है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. एंड ऑल द बेस्ट एवरी वन जो भी अपने पेट्स को लेके आया है, थैंक यू सो मच और ऑल द वेरी बेस्ट. जी बिल्कुल बोलना चाहूँगी. देखिए क्या होता है कि हम जो घर के पेट्स होते हैं उनका ध्यान रखते हैं, स्ट्रीट डॉग्स का भी ध्यान रखना चाहिए. अभी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि लोगों को काटने का बहुत सारे केसेस आ रहे हैं. वो होता इसलिए है क्योंकि देखो आप जब तक आप छेड़ोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं करते हैं. आप खाना जो वेस्ट होता है वो फेंकने से अच्छा है आप स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ कीजिए, उन लोगों को स्टेरिलाइज कीजिए ताकि बच्चे आगे जाके हम लोग पॉपुलेशन को रोक सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं, आप प्यार दे के तो देखिए 10 गुना ज़्यादा प्यार ये लोग दे सकते हैं. के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जी, एक्चुअली कीजिए है क्लब अपना ग्रेटर मुंबई कैनल क्लब ने एफिलिएशन लिए UKCC यूनाइटेड कैनल क्लब से, तो वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और दैट्स ऑल. किस तरह से यहाँ पे सहभागी लोग हो रहे हैं, किस तरह से कॉम्पिटिशन पार्ट लिया जा रहा है, कितना बढ़िया है यहाँ पर रिस्पॉन्स? देखो अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि पार्टिसिपेंट्स भी अच्छे होंगे क्योंकि उनके बारे में तो हम शो के बाद ही बता सकते हैं ना. अभी तक तो हमें पता नहीं है कि कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, किस तरह के एग्जिबिटर्स आ रहे हैं. यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑल ब्रीड चैंपियनशिप डॉग शो है. आए हुए सभी एग्जीबिटर का स्वागत है, सबको नमस्कार करते हैं. मैं केवल कृष्ण हूँ. यूनाइटेड कैनल क्लब की तरफ से ये शो करवाया जा रहा है. यूनाइटेड कैनल क्लब की एफिलिएशन जो है वो ग्रेटर मुंबई कैनल क्लब को दी गई है, जिसमें सत्यवान जी जहाँ के सेक्रेटरी हैं, जय सिंह जहाँ प्रेसिडेंट हैं, संदेश भी साथ में, विशाल भी सब मिलकर साथ यहाँ काम कर रहे हैं. तो डॉग शो हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में यूनाइटेड कैनल क्लब द्वारा कराए जा रहे हैं. लगभग हमारे 50 क्लब पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं. तो डॉग शो इसलिए करवाते हैं कि हम लोगों को जानकारी दे सकें कि जो आपके पास इतनी अच्छी प्यारी और महंगी ब्रीड्स हैं इनकी केयर कैसे करनी है, इनको संभालना कैसे है, इनको सोशल कैसे करना है, वो एज ए हॉबी के साथ साथ उसको आप कैसे एज ए प्रोफेशन भी अडॉप्ट करते हो. शोज में आने से आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपको ब्रीड के बारे में जानकारी बढ़ती है, जिससे आप अपनी ब्रीड में और ज़्यादा अच्छे सुधार करते जाते हो. तो आप सबको शोज में आना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, मोटिवेशन भी मिलती है और इंटरेस्ट भी बना रहता है. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के लोग, नज़र आ रहा है कि बहुत डॉग लवर हैं और बड़ा रुचिकर जो शो होगा, इंटरेस्टिंग शो होगा. किस तरह
तरह का कंपटीशन होने वाला है, उस बारे में बता सकते हैं क्या कुछ हो सकता है, कैटेगरीज होगी कुछ, क्या कुछ होगा? इसमें 11 ग्रुप होते हैं, 11 ग्रुप के अंदर अलग अलग हर ग्रुप में 5 से 6 ब्रीड्स होती हैं। टोटल तो 250 ब्रीड्स हैं डॉग्स की, तो उनके एक हमने ग्रुप किया होता है, पार्टनरशिप की होती है, हर ग्रुप की अलग अलग ब्रीड्स होती हैं, उसी नस्ल के हिसाब से उनको निकालते हैं। हर ग्रुप में से 2-2 डॉग निकाले जाते हैं, लास्ट में फिर उनमें से टॉप 8 डॉग निकाले जाते हैं, जो टॉप 8 डॉग होंगे उनको अवार्ड मिलेंगे। तो जो हमारे नेशनल प्रेजिडेंट हैं, हमारे सेक्रेटरी हमारे साथ आए हुए हैं, वो आपसे 2 शब्द बोलना चाहेंगे। धन्यवाद। यूनाइटेड कैनल क्लब इंडिया की तरफ से ये सिमरजीत सिंह सिद्धू प्रेसिडेंट, मैं सतपाल सेक्रेटरी एंड फाउंडर ऑफ यूनाइटेड कैनल क्लब इंडिया। हम लोग पूरे इंडिया में डॉग शोज करवा रहे हैं और उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे जानते हो कि डॉग्स ह्यूमन पार्ट लाइफ का पार्ट है, कि डॉग्स के साथ आप रिलैक्स फील करते हो, और दूसरा अगर आप डॉग्स के साथ कहीं पर भी जाते हो तो एक कंपटीशन जो डॉग शो में रहता है उससे आप एक स्पोर्ट्समैन की तरह फील करते हो, रिलैक्स रहते हो। और आपने अभी देखा होगा कि जो लोग डॉग्स के साथ रहते हैं उनका माइंड ज़्यादा फ्री रिलैक्स रहता है। तो हम लोग एक बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं पूरे इंडिया में कि डॉग स्पोर्ट्स इवेंट्स को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। देखिए, आप अभी देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में लोग आप पहुँचे हुए हैं डॉग शो के लिए, तो ये दर्शाता है कि हमारे लोग जो हैं वो कितने ज़्यादा बड़े डॉग लवर्स हैं। उसी वजह से ये अपना आज संडे का जो इवेंट रखा है उस पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं अपने डॉग्स के साथ और डॉग शो देखने के लिए भी। तो इससे पता चलता है कि हाउ अवेयर आवर पीपल्स अबाउट द डॉग शोज। ये रिस्पॉन्स अभी तक नज़र आ रहा है, किस तरह से आपने इस डॉग शो को पार्टिसिपेट किया है, किस तरह से आपने भाग लिया? मैं, मेरे दोस्त है ट्रेनर, और ये जो UKC उनकी जो एक संस्था है, उस संस्था के माध्यम से वो दलवी बोल के सत्यवान दलवी वो ट्रेनर है, उन्होंने काफ़ी 1-2-3 साल से मेरे पीछे पड़े थे कि मुंबई शहर में डॉग शो अभी तक हुआ नहीं है, अपने को डॉग शो रखना है। मैं पूरे डॉग शो के बारे में पूरे में जानकारी लिया, लोगों से पूछताछ किया, और मुझे अच्छा थोड़ा आज जो डॉग शो है ये शायद उसके पहले भी होना चाहिए था। एक इतना अच्छा डॉग शो को ये लोगों का अच्छा प्रतिक्रिया मिल रहा है, लोग अच्छे आ रहे, जो इस गांव में इस परिसर में जो डॉग किसी ने इतने बड़े और इतने अच्छे क्वालिटी के डॉग जो किसी ने देखे नहीं है वो आज भी हमारे एरिया में कुरार गांव जैसे एरिया में आ गए, तो मुझे थोड़ा महसूस हो रहा है कि अगर मैं इससे बाई चांस अगर मैं 2-4 साल पहले ये कार्यक्रम रखता तो मुझे अच्छा लगता था कि, लेकिन मैं अच्छी तरह से आज का डॉग शो जो संस्था ने रखा है, ठीक है हम तो एक कारण है, लेकिन मैं उस संस्था को और सत्यवान दलवी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।